गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या क्या पहले पढ़ लेना है। इलेवंथ में आपको हमने रेडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर पढ़ाया है, उसको नज़र लगानी है, जस्ट गो थ्रू करना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप पढ़िए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन क्या होती है, फ्यू एग्जांपल के साथ। इसी तरह से आपने एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनी सबस्टांस जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने पानी में या मोल्टन स्टेट में क्या कनेक्ट करता हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता हो, ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्यों कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली जैसे ही हम उसको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं जहाँ उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, जहाँ अगर वो ऑलरेडी आयनिक है तो उसकी डिसोसिएशन हो जाती है। ये भी आपको मैंने 11th में पढ़ाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। जैसे HCl है, उसको पानी में डालेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन होगी, बट सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे उसकी डिसोसिएशन होगी। सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी आयनिक है, उसमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और HCl जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। जब कोवलेंट मॉलिक्यूल पानी में टूटता है, आयंस देता है, तो दैट इज आयोनाइजेशन। तो क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो है उसमें ऑलरेडी आयंस हैं, आयन फॉर्म नहीं हो रहे हैं, आयंस सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के मैंने आपको बताए थे, स्ट्रांग वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। अगर आपने 10 मोल पानी में डिजॉल्व किया तो 10 मोल के 10 मोल अगर वो डिसोसिएट हो गए या आयोनाइज हो गए तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये सभी क्या हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इवन साल्ट मैक्सिमम क्या हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी वो डिजॉल्व होते हैं, कुछ पार्शली सॉल्युबल होते हैं, पर जितने वो डिजॉल्व होते हैं वो पूरे के पूरे टूट जाते हैं। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था जो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं। अगर आपने 10 मोल लिया, हो सकता है 1 मोल ही उसमें से डिसोशिएट हो, जहाँ 0.1 मोल डिसोशिएट हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपने जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आपने ये स्टडी करना है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। अब ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जब हम कोई रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, आपने पढ़ा है 11th में कि जब हम रिडॉक्स रिएक्शन किसी सिंगल वेसल में करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर। वो एनर्जी कहाँ से, हीट कहाँ से आ रहा है, कोई उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब इस हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर पाए, उसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस है, वो अपने इस चैप्टर में पढ़नी है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल जो हीट प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी जिसको कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ हम क्या करते हैं, खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सब्सटेंस में और उसमें केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, केमिकल रिएक्शन करने का मतलब जहाँ पे क्या है कि हम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं टू वन अनदर, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो यही जहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू ब्रिंग अबाउट ए रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कर सकते हो, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, इसमें जो आपने मेन स्टडी करना है चैप्टर में, सबसे पहले आपने पढ़ना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करती है। फिर दूसरा इसमें है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है,
इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टेंस के कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, मेजर कैसे कर सकते हैं आप लोग, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी क्या है, तो ये सारा उसमें आपने पढ़ना है। जो आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत ओम ला भी आपने पढ़ा होगा, वो भी यहाँ पे यूज होगा जब आप बीट्स नॉन ब्रिज मैथड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे गैल्वेनिक सेल्स, उसके बाद आपने इसमें एक टॉपिक आएगा क्रोजन ऑफ मेटल्स। तो क्रोजन ऑफ मेटल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही जो है फॉर्म है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होता है जब आप मैकेनिज्म स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम फटाफट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, आपको पहले भी मैंने 11th में ये थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज होने का मतलब है कि जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जब उसको आप पानी में डालते हैं वो डिसोसिएट होता है आयंस में, हमें वो आयन दे, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, बट अगर हम उसमें रिवर्स करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें और उसके जो आयंस दे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँ, वो कुछ और बन जाए, वो न्यूट्रल बन जाए या मालिक्यूल बन जाए, तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो गया है, डीकम्पोज हो गया है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करते हैं बाय पैसेज ऑफ क्या पास करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके थ्रू देयर एक्वा सॉल्यूशन, उनके पानी के पानी में डिजॉल्व करके जो सॉल्यूशन आ जाते हैं उनमें पास करके, जहाँ उनकी मोल्टन स्टेट में से पास करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन और आर मोल्टन स्टेट। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे की जाती है, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करनी है, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ डाल लेना है, तो ये सारी असेंबली जो होती है, जो पूरा ऑपरेटस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उस ऑपरेटस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। द ऑपरेटस यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट इन इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये किसका बना होता है, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये आपका जहाँ तो ग्लास का वेसल होगा, जहाँ आपकी चाइना डिश आप यूज कर सकते हैं, चाइना डिश आप यूज करते हैं जब आपको इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में लेना है, यानी कि उसको मेल्ट करके लेना है, मोल्टन स्टेट को हम फ्यूज स्टेट भी बोल सकते हैं। अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन ही बनाना है तो ग्लास का वेसल सफिशियंट है, वो चलेगा। तो इसमें हम एक ग्लास का वेसल लेते हैं, इसमें दो मेटल की जो है रॉड डिप करते हैं, वो डिप किस में करनी है, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के, जहाँ मोल्टन स्टेट में डिप करनी है। ये जो मेटल की दो रॉड है इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इन मेटल की जो रॉड है इनको हम फर्दर कनेक्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम कोई बैटरी लगा लें, सेल लगा लें, यहाँ पे हमने बैटरी लगा ली है, तो बैटरी का आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मेटल रॉड का वो टर्मिनल जो पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कलेक्टिवली इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव पोल के साथ जुड़ी होती है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव पोल के साथ जुड़ी होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास वेसल और आर चाइना डिश इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सॉल्यूशन और आर इन मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट इज टेकन, इसमें हमने पानी में जहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व कर लेना है या मोल्टन स्टेट में ले लेना है। टू मेटल रॉड्स आर डिप्ड इनटू, दो मेटल की रॉड आपने इसमें डिप करनी है, एंड आर कनेक्टेड थ्रू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको किसके साथ कनेक्ट कर देना है, किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ जैसे बैटरी। दीज रॉड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, इन रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज कैथोड, सॉरी एनोड, एंड द अदर इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कैथोड। अब आपने कैसे याद रखना है कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो बच्चे जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालेंगे, उसमें उसकी डिसोसिएशन होगी, जहाँ आयनाइजेशन होगी, उसके आयंस बनेंगे, उसमें पॉजिटिव आयन भी बनेंगे, नेगेटिव आयन भी बनेंगे। तो आपको पता है पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव के साथ जुड़ी होगी, और नेगेटिव आयन किस तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव के साथ जुड़ी होगी। तो जहाँ पे देखिए मैं लिखे हुए हैं, जो नेगेटिव 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 जो नेगेटिव आयन्स हैं, जो किस तरफ मूव करना कोशिश करेंगे, टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, तो एनायन किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ। तो एनायन का खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, इट मीन्स एनोड का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैटायन का चार्ज क्या होता है, खुद का चार्ज पॉजिटिव होता है, वो किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ।
तो सी फॉर कटायन, सी फॉर कैथोड, यानी कि कैथोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जैसे गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उसमें एनोड का साइन रिवर्स हो जाता है, एनोड का साइन नेगेटिव होता है और कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है। जी आगे जाके हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको याद रखना है एनोड का साइन पॉजिटिव होता है, कैथोड का साइन नेगेटिव होता है। एनोड वो रॉड होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है, और कैथोड वो होती है जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है। बीच में हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक एमीटर लगाया हुआ है जो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ये था व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब हम आपको थ्रू एग्जाम्पल्स समझाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए एग्जाम समझने के लिए आपको एग्जाम्पल तो हम बाद में देते हैं, पहले मैकेनिज्म इसमें आपको जरूरी पता होना चाहिए, फिर भी पहले हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल सफिशियंट होगी आपको समझने के लिए, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, पर उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैसे होता है, जो हमने चाइना डिश ले ली, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया मोल्टन फॉर्म में। अब इसमें एन ए पॉजिटिव भी होगा, सी एल नेगेटिव भी होगा, ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है, जो दो मेटल की इलेक्ट्रोड है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। अब देखिए NaCl जो मोल्टन स्टेट में, इसमें हमें L लिखा है लिक्विड स्टेट में, मतलब मोल्टन स्टेट में है। जब ये टूटेगा हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसमें जो मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, मैकेनिज्म था कि जैसे ही जो इसमें आयनाइजेशन होती है, जहाँ आयन डिसोशिएट होते हैं, उसकी उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। जब वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जैसे एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां पे जाके वो अपने चार्ज को छोड़ना चाहेंगे, अपने चार्ज को छोड़ना पसंद करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। कोई भी चार्ज बॉडी होती है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है एज कम्पेयर टू अनचार्ज बॉडी। तो ऐसे ही चार्ज आयन जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे, चाहे कैथोड के ऊपर जा रहा है चाहे एनोड के ऊपर जा रहा है, वो अपने चार्ज को छोड़ना पसंद करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो अनायन जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे और कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे कैटायन कौन है, सोडियम पॉजिटिव है, और अनायन कौन है हमारा, सी एल नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है। अब एड एनोड कौन जाएगा, अनायन जाएंगे, अनायन कौन है, क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपना चार्ज कैसे छोड़ सकता है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होता है। तो Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसका एक नेगेटिव कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोराइड डॉट, ये क्लोराइड इसको हम रेडिकल बोलेंगे, ये अनस्टेबल है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हो रही है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आपको पता है 11th में पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो याद रखिए एट एनोड ऑलवेज याद रखना है क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और क्या बन गया, क्लोराइड एटम बन गया जो कि अनस्टेबल है। प्राइमरी चेंज तो आ गई इसमें, जो फर्स्ट स्टेप था वो हो गया। अब जिन आगे चेंज आएगी इसमें जहाँ नहीं आएगी, ये डिपेंड करता है जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा ताकि स्टेबलाइज हो जाए। तो आपको पता है जो क्लोराइड रेडिकल है वो इतना स्टेबल नहीं है, दो क्लोराइड रेडिकल जो होंगे ये आपस में कंबाइन होंगे, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि स्टेबल है। तो ये वाकई ऐसा होगा क्योंकि स्टेबिलिटी है, दुनिया में जो भी होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं टू अटेन स्टेबिलिटी, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि पहाड़ से ऊपर से पत्थर नीचे की तरफ क्यों आता है, वो भी आपके आपने वहाँ पर पढ़ा कि मिनिमम एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भी वही है कि स्टेबिलिटी के लिए जो भी होता है, तो यहाँ पे दो क्लोराइड रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा जो स्टेबल है, तो दैट विल बी सेकेंडरी चेंज आ जाएगी। प्राइमरी चेंज से जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो स्टेबल नहीं था, इसलिए इसने फर्दर रिएक्शन करना पसंद किया ताकि स्टेबल हो जाए, तो इसलिए इसमें सेकेंडरी चेंज भी आ रहे हैं। अगर ये पहला ही प्रोडक्ट जो है, पहले स्टेप में जो रिएक्शन हुई है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इस केस में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर वो प्रोडक्ट स्टेबल है तो वहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। जैसे आप इसमें देखिए यार, कैथोड कौन जाएगा, सोडियम आयन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने लूज किया है ये कहाँ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन जो है कौन गेन करेगा, सोडियम आयन गेन करेगा। तो
यहाँ पे क्लोराइड ने, यहाँ क्लोराइड इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहे थे एनायन, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारे जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे एन ए पास इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका चार्ज खत्म हो गया, जो स्टेबल है इसमें प्राइमरी चेंज ही आएगी, फर्दर चेंज नहीं आएगी। तो आपको होप कि आपको समझ आया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए सोडियम क्लोराइड जो था वो इलेक्ट्रोलाइट था, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बने हैं, एक तो क्लोरीन गैस में मिलेगी आपको, एक सोडियम जो मेटल है वो सॉलिड होता है, ये डिपॉजिट हो, जो भी सॉलिड चीज़ होगी वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, अगर ये गैस है तो लिबरेट हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस जो है वो एट एनोड लिबरेट होगी, बाहर निकल जाएगी, और जो सोडियम मेटल है ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास सोडियम आयन नहीं है, क्लोराइड आयन नहीं है, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सोडियम एटम है, सोडियम मेटल है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहा, इलेक्ट्रोलाइट आपका डिकम्पोज हो चुका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। आगे हम थोड़ा सा आपको मटेरियल दे देते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा दिया कि मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली जो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम किसके बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं जहाँ उसको मोल्टन स्टेट में डालते हैं, तो वो डिसोशिएट होता है किसमें, आयंस में, और जब उनको हम सोल्यूशन को जहाँ मोल्टन स्टेट को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, आयंस जो होते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा जब उसको आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपको, कैटायन देगा और एनायन देगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस। तो यही मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ जो आपको पहले समझाया, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। तो इसको हम किसके बेसिस के ऊपर समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट डिसोशिएट्स आर आयनाइजेस इनटू आयंस। कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में सोल्यूशन में आते हैं, डिसोल्यूशन में सोल्यूशन में आते हैं, जब उसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो वो डिसोशिएट होता है किसमें, आयंस में। दैट इज क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज आयन देगा जिसको हम कैटायन बोलते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज आयन देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दीज आयंस, ये जो कैटायन और एनायन बने हैं, मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कैटायन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और एनायन जो है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑन रीचिंग देयर, जब अपने अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंच जाते हैं, दे लूज देयर चार्जेस, वहां पे जाके वो अपने चार्ज को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके, टू गिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्टेबल मॉलिक्यूल देंगे। एनायन जो वो कैसे स्टेबलाइज होंगे, कैसे चार्ज लूज करेंगे अपना, व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन। तो एनायंस लूज इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, एनोड पे जाके वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यानी कि वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। वो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे लूज कर सकते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो जो एनायन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वही इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन जो होता है कैथोड के ऊपर गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन होती है, टू गिव न्यूट्रल एंड स्टेबल स्पीसीज। ये जो कन्वर्शन है आयंस की इंटू न्यूट्रल स्पीसीज एट द स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर जो आयन जो है वो चार्ज अपना लूज कर रहे हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इस कन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है हमारा प्राइमरी चेंज का, वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की कि क्लोराइड आयन से क्लोराइड रेडिकल बना जो स्टेबल नहीं था, वो फर्दर रिएक्शन करता है, फर्दर उसमें चेंज आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। तो समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी चेंज मे नॉट बी स्टेबल एंड हैंस अंडरगोस फर्दर चेंज, दैट इज सेकेंडरी चेंज। इफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एन इलेक्ट्रोलिसिस सॉलिड, याद रखिए अगर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड होता है, जैसे सोडियम है वो सॉलिड है, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो गैसियस स्टेट में जाता है, तो वहां पे लिबरेट हो जाएगा। अब कई बार पूछते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, बेसिकली जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ये मैटर करता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस किस में कर रहे हो, क्या आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजॉल्व करके कर रहे हो,
जहां उसको मोल्टन स्टेट में ले रहे हो, तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट जो है वो वेरी करेंगे, वो हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मोल्टन स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, फ्रॉम द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कोई उसमें आयन होगा नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड आपने मोल्टन स्टेट में ले लिया तो उसमें सोडियम पॉजिटिव आयन होगा और क्या होगा, सीएल नेगेटिव आयन होगा, और कोई आयन प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट हमारा किससे बनेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स हैं उसी से प्रोडक्ट बनेगा, उन्हीं की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। बट अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन में करते हो तो एक्वा सॉल्यूशन में भी आयन्स होंगे, पानी के आयन भी होंगे, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव, आपने NaCl डाला है, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, आप कैथोड के ऊपर क्या जा रहे हैं, कैटायन जा रहे हैं, तो Na पॉजिटिव भी जाएगा, एच पॉजिटिव भी जाएगा। इसी तरह से एनोड के ऊपर एनायन जा रहे हैं, Cl नेगेटिव भी जाएगा, OH नेगेटिव भी जाएगा। बट प्रोडक्ट किससे बनेगा, क्या कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव अपना चार्ज छोड़ेगा या एच पॉजिटिव चार्ज अपना छोड़ेगा, इसी तरह से एनोड के ऊपर क्लोराइड अपना चार्ज छोड़ेगा या हाइड्रोक्साइड एन OH नेगेटिव अपना चार्ज छोड़ेगा, तो जो चार्ज छोड़ेगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ आयन से और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट जो है, आयन जो हमें इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट की बजाय कोई और भी हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे हो सकता है पानी के जो आयन है उससे प्रोडक्ट बन जाए, एच पॉजिटिव रिडक्शन हो जाए, OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाए। तो प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इलेक्ट्रोलिसिस किस में कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं या मोल्टन स्टेट में कर रहे हैं, जी हम डिटेल में आगे करेंगे विद एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर कभी कभी जो है जो मटेरियल आपने इलेक्ट्रोड मेटल की ली है, क्या वो मेटल खुद रिएक्टिव तो नहीं है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हो सकता है वो आयन जो बीच में आपने मोल्टन स्टेट में लिया है या एक्वा सॉल्यूशन में लिया है उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बजाय जो इलेक्ट्रोड आपने ली हुई है वो इतनी रिएक्टिव है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए या खुद रिड्यूस हो जाए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो समटाइम्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, तो ये दो फैक्टर आपने याद रखने हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं। इन दोनों को हम एग्जाम्पल वन बाय वन डिस्कस करेंगे।